Hello and welcome. In this video, I, O.P. Singh, will discuss the Mansab system, which was introduced by the Mughal Emperor Akbar. Mughal Emperor Akbar ruled from 1556 to 1605. He laid the foundation of the Mughal imperial administrative framework, which is uh, popularly known as the Mansab system or Mansabdari system who was the head of this mansabdari system the emperor was the head of this mansabdari system and the mansab system was worked or administered on the behalf of the emperor by mir bakshi or the army minister mir bakshi or the army minister means head of the mansabdari system was emperor and the agent of Emperor was Mir Bakshi, he was the army minister who maintained the record of all the Mansabdars. This is the one thing, one point you may have a question that who was the head of the Mansabdari system and who maintained the Mansabdari system on behalf of the Emperor. Dusra jo, my point is important point is important Mansabs were allotted in the Format of the decimal system, decimal system means in the multiples of ten. Basic Mansab or rank was rank was ten. Rank or status was ten, and uh, in the Akbar's time, the ranks were given up to five thousand, and then further up to twelve thousand. In the एंड फेज ऑफ अकबर अकबर रूल्ड अप टू सिक्सटीन जीरो जब तक उसकी डेथ हुई तो उस समय जो हाईएस्ट रैंक्स थी वो ट्वेल्व थाउजेंड की दी जाने लगी थी लेकिन यहाँ पे एक चीज है में रॉयल फैमिली में रॉयल फैमिली रॉयल फैमिली इनके लिए रिजर्व थी और पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए यानी जो रैंकिंग्स हैं, प्लेसमेंट है वो मल्टीपल ऑफ़ टेन अप टू द टाइम्स ऑफ अबुल फजल। अबुल फजल ने तेतीस कैटेगरीज का उल्लेख किया है जो इनके रेंज में थी टेन टू ट्वेल्व थाउजेंड के बीच में थी ठीक इसमें एक चीज ये है कि जो मनसअब्स थे शुरुआत में मनसब जो थी वो एक तरह से मिलिट्री हायर को सूचित करती थी इनिशियली दे रिफ्लेक्टेड द हायर ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स बट इन द कोर्स ऑफ टाइम मनसब सिस्टम इंक्लूडेड बोथ द सिविल एंड मिलिट्री हायर बोथ द सिविल एंड मिलिट्री हायर मुगल इंपीरियल सर्विस इन विच सिविल एंड डिफेंस ऑफिस तो सिविल कम मिलिटरी रैंकिंग सिस्टम था ये इसे हम मुगल इंपीरियल सिस्टम कह सकते हैं इसमें इसमें सिविल कम मिलिट्री रैंकिंग है ये तो इसके लिए तो इनिशियली केवल एक ही रैंक होती थी जिसे हम मनसब कहते थे लेकिन बाद में मनसब सिस्टम को दो रैंक में डिवाइड कर दिया गया जिसे हम जात और सवार कहते हैं जात और सवार कहते हैं जात रैंक सवार रैंक से थोड़ा सा अलग होती थी इसको कैसे समझेंगे जात रैंक मान लो किसी का मन सब फाइव थाउजेंड है तो उसका जात रैंक भी फाइव थाउजेंड ही होगा और सवार रैंक उसका फाइव थाउजेंड भी हो सकता है किसी दूसरे मनसबदार का जो मनसब है फाइव थाउजेंड का होगा जैसे और उसका भी जात रैंक फाइव थाउजेंड का ही होगा जितने का मनसब उतने का ही जात रैंक और फिर उसका सवार रैंक हो सकता है कि थ्री थाउजेंड हो तीसरे का मनसब फाइव थाउजेंड फिर उसका जात रैंक फाइव थाउजेंड और सवार रैंक उसका नील भी हो सकता है यानी इसका मतलब यह है कि जात रैंक हमेशा सवार रैंक से हायर होता था या बराबर होता था सवार रैंक कभी भी जात रैंक से बड़ा नहीं होता था यानी ये बेसिक रैंक है जात रैंक इज द बेसिक रैंक एंड सवार रैंक वॉज द कॉन्सिक्वेंशियल रैंक कॉन्सिक्वेंशियल रैंक कॉन्सिक्वेंशियल रैंक यानी पहले ये दी जाएगी और फिर बाद में ये दी जाएगी यानी जात रैंक और सवार रैंक में डिफरेंस क्यों है हर एक व्यक्ति को सवार रैंक क्यों नहीं दी गई या दी गई तो बराबर क्यों नहीं दी गई तो इसलिए नहीं दी गई कि हर अधिकारी में मिलिट्री टैलेंट जरूरी नहीं होता ही हो कुछ सिविलियन ऑफिसर्स थे उनको जात रैंक तो बराबर दी गई यानी सबका स्टेटस तो एक ही है यहाँ पे जो मनस सबका एक है यानी ऑफिशियल रैंकिंग में सब बराबर के दर्जे के हैं बट और उनकी जात रैंक भी इतनी ही है लेकिन जब सवार रैंक की बात आती है तो डिफरेंस। सवार रैंक का मतलब है कि इस बंदे को 5000 थाउजेंड ट्रूप रखने पड़ेंगे इसको 3000 रखने पड़ेंगे इसको कोई भी ट्रूप नहीं रखना पड़ेगा समझ गए तो जब ये बंदे इन तीनों की जो सैलरी है बेसिक जो सैलरी है यह बराबर है और इन तीनों की जो एडिशनल सैलरी है सवार रैंक की वो अलग अलग है क्लियर यानी इसको 5000 थाउजेंड ट्रूप रख रहा है तो इसका अलग से वेतन मिलेगा एक हॉर्स ट्रूपर का जो वेतन था 240 फोर्टी रुपीज होता था सिल्वर रुपीज और इसका फिर उसी हिसाब से कम हो जाएगा और इसका फिर जीरो हो जाएगा सवार रैंक सवार रैंक एडिशनल होती थी कॉन्सिक्वेंशियल होती थी फर्स्ट रैंक जैसे अगर मीर बख्शी मेरे कोर्ट में अगर ये एक्सप्लेन करे कि भाई ये मनसबदार है फला फला मनसबदार को इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे इंट्रोड्यूस करेगा ही वुड इंट्रोड्यूस दैट ही इज ए मनसबदार ऑफ फाइव थाउजेंड विद ए जात रैंक ऑफ फाइव थाउजेंड एंड सवार रैंक ऑफ फाइव थाउजेंड ही इज ए मनसब

there was a system of transfers mansabdars were given the regular transfers from one place to another place and unka jo vetan dene ka jo tarika tha unke maintenance ka jo tarika tha that was in the system of the jagirs unhe jagirs di jati thi इसीलिए mansab और jagir system एक साथ ही चले लेकिन दोनों अलग अलग हैं Jagirs were the were the areas areas allotted, areas allotted uh, for the for the maintenance of the mansabdars yani उन्हें उनकी जितनी salary होगी उस salary के जहां से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है वो लैंड उन्हें दे दी जाएंगी यानी लैंड सच नहीं बल्कि उन lands का जो रेवेन्यू होता है वो उनको पास ऑन कर दिया जाएगा ठीक है तो उन्हें जागीर कहते थे जागीर छोटी बड़ी होती थी बिग स्मॉल कैटेगरीज में होती थी स्मॉल कैटेगरीज में होती थी और जागीर अच्छी बुरी भी होती थी तो मनसबदार एक सेंस में जागीरदार भी होता था बिकॉज़ जागीर वाज ए सिस्टम ऑफ पेमेंट फ्रॉम वेयर ही वुड ड्रॉ हिज सैलरी और जैसे मनसबदार का ट्रांसफर होता था वैसे ही उसकी जागीर का भी ट्रांसफर हो जाता था और ये जितने भी स्टेटस थे यानी कोई बंदा ए है और वो मनसबदार भी है और जागीरदार भी है तो ये बंदे की जब डेथ होती है तो उसका स्टेटस वहीं पे खत्म हो जाता है इसका मनसब और इसकी जागीर सारे की सारी राज्य में फिर से मर्ज हो जाती है अगर कोई और दूसरा बंदा होगा तो उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा और वो जागीर उसे दी जाएगी यानी एवरीथिंग इज ओवर आफ्टर द डेथ ऑफ द मनसबदार तो ये मनसबदारी सिस्टम था इस सिस्टम को अकबर ने शुरुआत किया था बाद में इस सिस्टम को जो मुगल एम्प्र थे बाद वाले जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब ने इसमें कुछ छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस कराए थे और बेसिक फॉर्मेट हालांकि जो का क्यों रहा था इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी उसमें रिफॉर्म्स भी करने की कोशिश की गई थी तो हम इस मनसबदारी सिस्टम को एक तरह से मुगल एम्पायर का स्टील फ्रेम कह सकते हैं With this, I come to the end or conclusion of this video. Thank you. Thank you very much.